हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटर कंप्यूटर गाइड एजुकेशन हिंदी चैनल पे। दोस्तों, मैं जहर जति विश्वास आपके लिए लाया हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी में, एक छोटा सा एक्सेल टिप्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूपी सिंबल या किसी और सिंबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेल सेल पे, लेकिन वो सिंबल अवेलेबल नहीं है सिंबल पे या किसी दूसरी जगह पे, जैसे ऑटो शेप्स हो या क्लिप आर्ट हो, कहीं पे भी आपको वो सिंबल नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वो सिंबल को आप किस तरह से एक्सेल पे आप लाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रूपी सिंबल जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। ये जो सिंबल है वो हमने खुद क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों, ये जो रूपी सिंबल है वो मेरे कीबोर्ड में भी नहीं है और मेरे पास कोई फॉन्ट भी नहीं है इस रूपी सिंबल का। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है आपके साथ तो आप किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, रूपी सिंबल हो या किसी और सिंबल, उसको आपको क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको जाना है स्टार्ट पे और आपको यहाँ पे सर्च करना है कैरेक्टर मैप। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर, और उसके बाद में जब भी आप कैरेक्टर लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सजेशंस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको चूज करना है प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर, और प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये जो विंडो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे सिंबल यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे ये वाला सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं रूपी सिंबल का, और यहाँ पे बहुत सारा दूसरा सिंबल भी हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो अगर आपको इस तरह का सिंबल बनाना है और आपने प्राइवेट कैरेक्टर एडिटर पे आपको रखना है स्टोर करके, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, किसी भी एक ब्लैंक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा। और ब्लैंक बॉक्स को क्लिक करने के बाद उसके बाद में उस कोड को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि E011। अब यहाँ पे क्या करना है, उसको सिंपल ओके कर देना है। जब भी आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है रूपी सिंबल। तो रूपी सिंबल आप यहाँ से ब्रश टूल या पेंसिल टूल से भी या लाइन टूल से भी आप बना सकते हैं, किसी भी सिंबल आप बना सकते हैं इस टूल के मदद से। तो जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे पेंसिल टूल ले लेता हूँ, और पेंसिल टूल लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो सिंबल है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ करके आप बना सकते हैं अपना सिंबल। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐसे ही एक सिंबल यहाँ पे बनाते हैं, तो जैसे कि रूपी सिंबल तो मेरे पास यहाँ पे है ही, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंगो का यहाँ पे बना देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कैरेक्टर है उसको आप बना सकते हैं। बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सेव कैरेक्टर पे क्लिक कर देना है। जब भी आप सेव कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद में आपको जाना है एडिट, और उसके बाद में आना है कॉपी कैरेक्टर। जब आप कॉपी कैरेक्टर पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे कोड था, वो कोड अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो जैसे मेरा कोड जो था वो था E011, और E011 जब भी आप यहाँ पे कोड लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका शेप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करके आपको कॉपी कर देना है। राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, या तो कंट्रोल सी प्रेस करके भी आप इस शेप को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको ओके कर देना है, और उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है। अभी मान लीजिए जिस सेल में भी आपको चाहिए वो कैरेक्टर, तो उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रेस करना है कंट्रोल भी, और इस कैरेक्टर को लार्ज करने के लिए दोस्तों आपको इंक्रीज करना होगा इसका फॉन्ट साइज। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरह ही दोस्तों आपको क्या करना है, रूपी सिंबल को क्रिएट करना है। रूपी सिंबल को क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको रूपी सिंबल जो है वो आपको रीजनल लैंग्वेज पे सेट कर देना है, तो आपको ये रूपी सिंबल अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं किस तरह से आप डॉलर को रिप्लेस करके रूपीज में ला सकते हैं। तो वहां पे उस वीडियो पे हमने रूपी सिंबल को नहीं दिखाया है, क्योंकि तब हमने रूपी सिंबल को क्रिएट नहीं किया था। तो आज हमने रूपी सिंबल को क्रिएट कर दिए, और इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं वो रूपी सिंबल आपको यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कैरेक्टर, तो खुद अपना कैरेक्टर आप बना सकते हैं, और उसको आप एक्सेल में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एज ए क्लिपर्ड, एज ए ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।